हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। ठीक, वेल वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम, और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ये जेईई मेन 2019 में 12 अप्रैल को शिफ्ट वन में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? इफ ई पावर वाई प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई, ऐसे गिवेन है। देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू जीरो। एट एक्स इक्वल टू जीरो पर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू ओवर डी एक्स का वैल्यू निकालना, और ये पूछा हुआ है ना, फोर ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आसान प्रॉब्लम है, अपने एंड पे ट्राई करो एंड देन सीधा सॉल्यूशन। नाउ क्या गिवन है? ई पावर वाई प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है? ई गिवन है। ठीक है, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो एक काम ये करते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। ठीक है, तो ई पावर वाई तो यहाँ से है, इसको जब डिफ्रेंशिएट कराओगे तो यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, ई पावर वाई कहते आ गया, एक्स इंटू वाई को जब डिफ्रेंशिएट कराओगे तो यू इंटू बी लगाओगे, तो एक्स को बाहर निकाला, वाई का आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, वाई को बाहर निकाले, एक्स का डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा, और ई का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? जीरो आ गया। तो यहाँ तक तो हमें ये पॉइंट समझ में आ गया। अब एक काम ये करते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू, अच्छा जीरो जब पुट कराओगे तो डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करके। अच्छा, उसके करस्पॉन्डिंग आप वाई का वैल्यू भी देख लो, कि जब हमने यहाँ से समझो एक्स का वैल्यू जीरो पुट किया, तो एक्स का वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, तो फाइनली ये क्या बना? ई पावर वाई बना। इज इक्वल टू कितना आ गया? ई आ गया। ई पावर वन लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट ये समझ में आ गया, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कितनी आएगी? वन आएगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया? पुट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू हमने जीरो पुट किया। एक्स इक्वल टू जब जीरो पुट कराएंगे तो ई पावर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? वन आ रही है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये क्या आ गया? इसका वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो पर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू जब आपने जीरो पुट किया तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है? वन आ रहा है। तो यहाँ तक का पॉइंट तो क्लियर हुआ। ठीक है, और इस वाले पार्ट को जब आप सिंप्लीफाई कराओगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कितना आ जाएगा? वन को इधर भेजेंगे तो माइनस वन, और ई को आप डिवाइड लगा दोगे तो कितना आ जाएगा? ई आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? माइनस वन अपॉन ई आ गया। ठीक, तो यहाँ तक का पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के हिसाब से अगर ऑप्शन में देखो तो माइनस वन अपॉन ही आ रहा है, माइनस वन अपॉन ही आ रहा है, तो बी और सी में से एक ऑप्शन हो सकता है। नाउ अब आगे एक और काम करते हैं, इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। तब अगर आप ई पावर वाई को तो बाहर निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट कराओगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। फिर हमने क्या किया? डी वाई ओवर डी एक्स को बाहर निकाला, ई पावर वाई का डिफरेंशिएट करोगे तो ई पावर वाई यहाँ से आ जाएगा और डी टू, और वाई का आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये तो इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन है आ गया। प्लस साइन एक्स को आप बाहर निकालोगे, ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आया। अब आपने क्या किया? डी वाई अपॉन डी एक्स को तो बाहर निकाला, और एक्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा? वन आ गया। प्लस साइन फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स, और दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। अब आप इसमें एक काम ये करते हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो पर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो हमने क्या किया? पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया। तो जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करें तो करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? वन आ रही है। तो ये तो हो जाएगा ई यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स इक्वल टू जीरो पर डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस वन, माइनस वन अपॉन ई आ रहा है। तो माइनस वन अपॉन ई, माइनस वन अपॉन ई तो कितना हो जाएगा? प्लस का वन अपॉन ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ई पावर वाई, तो वाई का वैल्यू वन आया, तो यहाँ से कितना ई आ गया। ठीक, यहाँ तक का पॉइंट भी क्लियर हुआ। एक्स इक्वल टू जीरो पुट कराएंगे तो ये वाला पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये टू टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ टू अपॉन ई, दैट इक्वल टू कितना आया? जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक का पॉइंट तो हमें समझ में आया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, इसको समझो, ई से ये कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन ई यहाँ से आ गया, माइनस टू अपॉन ई आया, तो ये तो बन जाएगा माइनस वन अपॉन ई। और इसको जब आप ऐसे लिख सकते हैं, ई इंटू हमने लिखा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? वन अपॉन ई आ गया। और यहाँ से जब आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब कैलकुलेट करेंगे, तो ई को आप यहाँ डिवाइड लगाओगे तो ये कितना बन जाएगा? वन अपॉन ऑफ ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? प्लस वन अपॉन ई स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अकॉर्डिंग दैट कहीं भी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक रहा हो तो आप अपने एंड पे एक बार आप चेक कर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट वाइज प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।